इस ऑप्टिकल ट्यूटोरियल्स आज हम देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट एनकोडर से रिकॉर्ड करने के बाद आपको ऐसा फॉर्मेट में फाइल फाइल रिकॉर्ड होगा, ऐसा देख सकते हैं आप। प्रॉपर्टीज क्लिक करें तो फॉर्मेट देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल नया फॉर्मेट है। इस पे ये फॉर्मेट सोनी वेगस प्रो में सपोर्ट नहीं करता। इसी तो अगर आपको एडिटिंग करना हो तो आप ये कैसा इफ कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं मैं दिखाऊंगा। अभी पहले आपको अब स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ आपको एनकोडर भी आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन एनकोडर 4 वाला। इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई भी कन्वर्टर यूज करे तो भी ऑनलाइन कन्वर्टर नहीं है तो ये फ्री में का कन्वर्टर होता है ना, वो कोई भी कन्वर्टर यूज करे तो भी उस कन्वर्टर में भी फाइल ये फाइल ऑन नहीं होता, ऐसा फाइल XESC फाइल। इसलिए आपको इसी में जाना होगा इंपोर्ट करके। पहले आप वीडियो चुन लीजिए, आप रिकॉर्ड में अभी रिकॉर्ड कर रहा था एक स्क्रीन कैप्चर आउटपुट, इस पर जाके वीडियो ऑन करिए। ऑन करने के बाद इसको आप कैसे कर सकते हैं मैं दिखाऊंगा अभी। आप सारा छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं डिफॉल्ट में रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करिए सारा। पहले आप यहाँ पर जाइए एनकोडर, यहाँ पर दिखाएगा आप एनकोडर, इस पर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ईजी होगा। इस पर आप क्लिक करके सोर्स सेलेक्ट कर दीजिए, सोर्स दोनों सोर्स ही सिलेक्ट कर दीजिए, और सोर्स सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सिलेक्ट करना है हमें। ये दो सिलेक्ट करने के बाद फाइल पे जाइए, फिर से जाकर एनकोड सिलेक्टेड आइटम ओके कर रहेगा। यहाँ पर शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ई, मैं शॉर्टकट नहीं यूज करूंगा। मैं सिलेक्ट एनकोड सिलेक्टेड आइटम क्लिक करूंगा मैं, देखिए अब फास्ट हो गया। आपको हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो जाने के बाद आप फॉर्मेट चेंज होगा। आउटपुट भी जाइए, ये यहाँ पर एनकोडर का आउटपुट है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर का आउटपुट है। इस पर जाइए, जाकर आप चेक कर लीजिए कौन सा रिजल्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब देखिए अब ये ओपन हो रहा है। अभी ऑप्टिकल ट्यूटोरियल्स आज हम देखेंगे वेगस प्रो में आप कैसे क्रॉप वीडियो को देख सकते हैं। अभी फाइल सपोर्ट हो गया। अभी आप देख सकते हैं पिछली बार XESC वाला है ना फॉर्मेट, आप देख सकते हैं अब MP4 में कन्वर्ट हो गया। जनरल पे देख सकते हैं फाइल टाइप विंडोज मीडिया वीडियो फाइल है, MP3 में नहीं कन्वर्ट हुआ। इससे आप अपलोड का आप अभी उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं वेगस में। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।